हमारे एपेक्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर पी अजीत कुमार जी जितने भी यहाँ उपस्थित गुरु हैं, मेरे बहुत ही विशेष दोस्त डॉक्टर साहब दरबार आंदोलन का ही भेद होता है हमारे डेटा सब गौत्री बहुत पुराने हैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में और अन्य जितने भी हमारे शिक्षण गुरुजन जो हमारे जो मॉडरेटर हैं उनको भी यहाँ जितने भी हमारे उपस्थित माँ पिताजी हैं मेरे प्यारे बच्चे आज का जो कार्यक्रम है इत्तेफाक से हमारा वाइस चांसलर साहब ने मुझे एक टेलीफोन में कहा कि हम एक कार्यक्रम रखें आप जरूर इसमें आइएगा। मैंने देख लिया कि हमारा कुछ समय तो है और ऐसे भी मुझे पसीना आ रहा था आज तो मैंने उनको हाँ बोला इसलिए बोला ताकि हम भी आपके बीच में आ सकें आपके बीच शरीक हो और एक दो शब्द मेरी ओर से भी कह सकूं। वैसे तो हमारा जस हाल ही में हमारा विधानसभा समाप्त हुआ उसके बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी रुकसिन में आए थे हमारा बांगो सलूम उसमें कई लोग शायद शरीक भी थे काफी हमारा जो ये जो सलूम होता है काफी लंबा होता है कल आखिरी दिन था वो जो अगर वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होगा समाप्त हुआ आज भी एक कार्यक्रम है जहाँ यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को एक सुविधा देते हैं प्लेटफॉर्म में आने का तो आज मैंने सोचा कि नहीं मैं आज आपके बीच आऊं क्योंकि मैं क्षेत्र मेरा रुकसिन जिला है लेकिन फिर भी मेरा बचपन मेरा पूरा उम्र यहीं से शुरुआत हुई। आपका जितना प्रेम स्नेह है वो तो हमारा साथ सदा बहार है ऑलवेज इट इज विद मी आई गेट ऑल योर ब्लेसिंग्स योर गुड विशेस लेकिन फिर भी ये जो यूनिवर्सिटीज हैं खासकर हमारा एपेक्स यूनिवर्सिटी इसका साथ मेरे काफी पुराना लगाव है मैं उनको कहता हूँ इसलिए जो सदन ने भी मैं पूछा था उनको जो विधानसभा ने कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक बिल था उसमें मैंने एक बहस लगाया था कि जैसे यहाँ जो आपका जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स है उसको जब तक आप नहीं बनाएंगे हम उसको मान्यता नहीं देते लेकिन सुना हूँ कि अभी इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड सो एटलीस्ट जैसे हमारा नापसाई में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ बहुत शानदार घर बनाया बहुत शानदार उसका एटमॉस्फेयर है माहौल ठीक होना चाहिए पढ़ाई के लिए आप स्टॉक के अरेंजमेंट करेंगे छोटे छोटे शिफ्ट यू नो काइंड ऑफ बिल्डिंग्स में आप करेंगे तो उसमें वो पूरा इट डज नॉट गिव जस्टिस सो आप सबको भी यही है यूनिवर्सिटी वालों को भी कि आप इसको पूरा कराएंगे मैं देखता हूँ काफी अच्छा बिल्डिंग शुरुआत हुई है और यहाँ पे एक चीज मैं यही कहूँगा आपका चांसलर साहब को कि आपने मुझे निमंत्रण भेजा है मैं आया हूँ आपका उपस्थिति में हमारे वहाँ भी बहुत वक्त के पाबंद है आप और शायद जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको भी पता है कि जब मैं कहता हूँ 10 बजे तो मैं 10 बजे पहुंच जाता हूँ तो वो निर्णय आपका है आपका अपना विचार है तो चांसलर साहब शायद व्यस्त थे इसे नहीं आ पाए लेकिन उसके ने उसका आप हम शिकायत नहीं करते लेकिन मैं बोलता वक्त ने आपका देखिए हमारा वक्त का बहुत पाबंदी होती है तो ये आप जरूर मन में रखिएगा
कि आप इंजीनियरिंग को बुलाएंगे तो आप समय में आपको आना होगा। आज भी देखिए मैं 10 बजे आया और लोग रेडी नहीं थे, हम शुरुआत की है 10:30 बजे, बट स्टिल इट्स ओके इफ यू डोंट कम ऑल्सो। बट एक चीज होता है, जब मैं दिल्ली में भी गया था एक उस समय में केंद्र मंत्री था, तो मैं हिंदू कॉलेज में भी गया, आई वेंट इवन टू JNU में मुझे बुलाया था, तो उन्होंने शाम 7 बजे रखा था कार्यक्रम। मैंने पूछा उनको कि 7 बजे सही है, बताइए, क्योंकि मैं आऊंगा तो ठीक 7 बजे आऊंगा। तो उस समय उन्होंने मुझे 7 बजे बुलाया था, 7 बजे बोले मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने नहीं सर नहीं सर, आप 7 बजे बताइए, पब्लिक हमारा कम है। ऐसे नो, इस तरह क्वेश्चन अगर 10 जन होगा, 10 बंदे रहेंगे, तब भी हमको कार्यक्रम शुरुआत होना है। तो मैं आया, कुछ हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के कार्यक्रम थे, तो मैं वहाँ आया, तो वहाँ हमारा जो प्रोफेसर्स थे या जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे, सब भाग दौड़ किया, एक केंद्र मंत्री है, मैं आया हूँ 7 बजे, बस 10-15 जन थे, लेकिन मैंने कहा नहीं कार्यक्रम शुरू करिए। सो वैसे ही मैं आते उनको बोला 10 बजे शुरू कीजिए, क्योंकि लोग नहीं रुक सकता। और पहले एक जमाना था कि आप 3 घंटा भी रखो, 2 घंटा भी रखो, नेता लेट से आता है, बट ये एक नया परंपरा मैंने शुरू की है। और मैं इस पे सोचता हूँ ये जायज है कि जब समय का जो पाबंद रखते हुए, जब आप कहेंगे कि 10 बजे तो 10 बजे आप सब चीज कार्यक्रम के लिए आप रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब योर चीफ गेस्ट इज ऑलरेडी इज रेडी एंड ऑलरेडी कम, देन यू शुड ऑल्सो बी रेडी। जब हम बच्चों के लिए बारे में मैं कुछ एडवाइस के लिए कहूँगा, तो यहाँ इस इतना जो एक समुंदर है सब ज्ञानियों के बीच, सब टेक्नोक्रेट्स एजुकेशनिस्ट, इसके बीच हमको यहाँ अपना वक्तव्य रखना शायद वो इंसाफी नहीं देती है, कि हम तो राजनेता हैं, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स के बारे में ही कहेंगे। लेकिन यहाँ इस यूनिवर्सिटी पे मैं जरूर कहूंगा, ये बचपन से आप सबको सिखाया कि भाई देश की एकता, देश की अखंडता, और उसके ऊपर आपको किस प्रकार आप एक अच्छा नेक इंसान बनाएंगे, आपको ये बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य करिए कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनका पढ़ाई तो मैं सुना हूँ काफी अच्छा है एपेक्स यूनिवर्सिटी की, हमारा गुरुगण भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आप लोगों को सिखाइए, एक देशभक्त नागरिक बनने के लिए आप जरूर लोगों को सिखाइए। और यहाँ एक बहुत बड़ा एक हमारा चुनौती है, और वो है हमारे जो नशेले पदार्थ, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हुआ है मेरे क्षेत्र में भी है, पासीघाट में भी है, मेरे बच्चों को भी यही मेरा एक रिक्वेस्ट है लोगों को कि आप इन चीजों से दूर रखिए, एक अच्छा आदमी बनने के लिए जरूर कोशिश किए। आपके जितना माँ पिता आपके ऊपर बहुत सपने देखे रखे हैं, इसलिए उनको इतना कष्ट करके आप सबको इन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में आप सबको यहाँ भेजे हैं, तो उनका जो मन का जो उम्मीद है उसको पूरा करने के लिए जरूर कोशिश कीजिएगा। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक और बार सबको बहुत बहुत हमारे जो अभी जिस हाल ही में समापन हुआ है सलोम जो त्यौहार है उसका शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। आज भी हमारा तो अभी भी रुक्सी में चल रहा है, क्योंकि ये पूरा मौसम, ये समय जो है, ये जो सावन का जो सावन ऋतु जिसको कहते हैं, इसमें पूरा हमारा सोलों का एक पूजा चलता है। तो आप सबको मैं जरूर कहूँगा कि हमारा वहाँ के मेरी शरीक वही है, आप लोग समय होगा तो रुक्सी में भी आइए, बस पड़ोस में ही है। और अंत में यही कहूँगा कि वसुदेव कुटुंबकम जो है द वर्ल्ड इज वन, उस
दिशा को लेकर हम सबको आगे बढ़ना होगा। कल मैं एक कार्यक्रम में था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे, जो हमारे स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो में उनका पहला भाषण हुआ था, जहाँ उन्होंने कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अरुणाचल, सॉरी ब्रदर्स सिस्टर्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ अमेरिका, तो एक वर्ल्ड एक उसको सम्मान किया। तो वैसे ही यहाँ भी हम सब, आप बिहार से आए हैं सर, केरला से आए हैं आप, यूपी से आए हैं आप, पंजाब से आए हैं, सब गांव के हैं, सब समुदाय के लोग हैं, सब हमको एक देश बनाना है, एकत्रित रहना है, देश की एकता और अखंडता के लिए सोचना है। और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका भविष्य को उज्जवल रखना, खासतौर हमारा पासीघाट को जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो मेरा क्षेत्र जो है जो सुरक्षित है पासी में, लेकिन फिर भी हम भी पासीघाट में हम शरीक होते हैं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, यहाँ का जो विकास के कार्यक्रम में इसमें आप सबको शामिल होना है, और पासीघाट को एक अच्छा जगह बनाए जहाँ लोग कह सके कि हाँ, ये पासीघाट इज एन आइडियल सिटी, इज एन आइडियल टाउन। हिंदी शब्दों के साथ मैं आप सबको, खासकर बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस यूनिवर्सिटी में आप एक हिस्सा बन लिया है, और जो माँ पिता है उनको, जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने आपको एक अच्छा उद्देश्य आपका एडवाइस दिया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दिस इन आवर डिस्ट्रिक्ट, एंड वी होप दैट विद दिस प्लेज वी ऑल वर्क टूगेदर टू मेक द स्टूडेंट्स दे कम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन फ्यूचर। थैंक यू, जय।